हेलो भाई डॉक्टर्स, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम नीट 2024 की तैयारी जबरदस्त और लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है कि नीट 2024 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में क्या सर बदलाव हुआ है, क्या सर सिलेबस घटा है, क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है सर, कुछ चेंजमेंट हो सकता है नहीं, ये आज कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आज की सम वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले देखने को मिले, क्योंकि आज की वीडियो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले स्टूडेंट्स। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरह की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ताकि सिलेबस ज्यादा से ज्यादा आपके माइंड में रिमेंबर रहे। और फिर भी मेरे किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट रह जाता है तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 9929786377, ताकि आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपके पेपर में आपको टोटल क्वेश्चंस 200 देखने को मिलेंगे, जिसमें से 180 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो आपके मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स 720 मार्क्स के आपका बोले तो पेपर के अंदर आपके आते हैं, बोले तो 180 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। आपकी इस पेपर के अंदर स्टूडेंट्स फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी। अब बायोलॉजी के दो पोर्शन होते हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। अब स्टूडेंट जैसे फिजिक्स था आपके सामने, अब फिजिक्स के आपको 50 क्वेश्चंस दे दिया। अब आप फिजिक्स आपको अपने यहाँ पर इंजीनियर दीपक सर पढ़ा रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिनके क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चंस आपके आए। अब 50 क्वेश्चंस में सेक्शन ए में 35 और सेक्शन बी में 15, आपको टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बेटा, 45। ठीक है, ऐसे ही सेम केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सेक्शन ए में 35, सेक्शन बी में 15 और आपको 45, ऐसे ही जूलॉजी में, ऐसे ही बॉटनी में। मतलब ये आपका एग्जाम पैटर्न और ये ही आपका सिलेबस है। सर आपको पता होना चाहिए, क्या आप मेरे को बता रहे हो कि सर सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस, क्या हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है? मतलब जो चैप्टर एनसीईआरटी सीबीएसई के में घटाए गए, क्या सर हम उसको पढ़ना छोड़ दें? नहीं मेरे लाडले बच्चे, अभी पढ़ना नहीं छोड़ना है, आपको अभी उन चैप्टर्स को कंटिन्यू रखना है, आपको वही ओल्ड एनसीईआरटी कवर अप करनी है। देखो ये ओल्ड एनसीईआरटी कवर अप करनी है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको अभी जारी रखना पढ़ाई। लास्ट में एनटी अपडेट करता है कि भाई हमने ये चैप्टर घटा दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया सिलेबस के अपडेट को लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पर, कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम से एनसीईआरटी बेस्ड अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो 999 रुपए का कोर्स चल रहा है जीएस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे, आज ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और बायलैंग्वल बैच है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को बायलैंग्वल मिक्स बैच जो 999 रुपए का है। अब आते हैं आपके कि सर क्या बुक्स लें, क्या स्टडी मटेरियल है जिनसे हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। अब जैसे आप बायोलॉजी पढ़ने बैठे, अब आपको पता है बायोलॉजी में हमें 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हाँ या ना? अब इनमें हमें बुक्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेटा जब भी आप पढ़ने बैठो आप अपनी एनसीईआरटी को साथ रखो। आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता, जैसे आपने बायो पढ़ना शुरू किया, जैसे आपने सेल पढ़ना शुरू किया, तो सेल को सबसे पहले खुद पढ़ो। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो सेल को सबसे पहले खुद पढ़ो, उसके पश्चात बोले तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू लगाने। ध्यान से सुनना, पहले चैप्टर को खुद पढ़ा, फिर एनसीईआरटी एग्जाम, जब इतना काम कर लिया अब उसके बाद आओ, आपने जिसका भी कोर्स ले रखा, चाहे हमारा ले रखा हो या किसी और स्टूडेंट्स या कोई और टीचर का, किसी का भी कोर्स ले रखा है, उस टीचर की वीडियो देखो, उसके क्लास नोट्स देखो, उसके बाद लगाओ उस चैप्टर की डीपीपी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो होते हैं आपके, ये होने के बाद आपको डियर स्टूडेंट्स जैसे एक बुक आती है एमटीजी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद लास्ट जो है उस चैप्टर का निचोड़ करने के लिए एम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको लगाने। ठीक है, जो एमबीबीएस का पेपर हुआ था 2010 और 2018 के बीच में, क्योंकि इसके बाद तो बंद कर दिया। ठीक है, तो आपको इस तरीके का पैटर्न फॉलो करना है, सेम ऐसे ही फिजिक्स में, सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में, जब भी आप पढ़ने बैठो तो सबसे पहले सेल्फ पढ़ाई करो उस चैप्टर की, उसके बाद उस टीचर की, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये एक रूटीन है जो आपको फॉलो करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। फिजिक्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बेहतर आपके फिजिक्स होते,
होती जाएगी। फिजिक्स से डर नहीं लगना चाहिए, और जिसको डर लगता है वो एक बार इंजीनियर दीपक सर की क्लास देख लेना अपने ऐप में या यूट्यूब पर, खूब प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर, आराम से देखेगा, उसके बाद हमारी ऐप में ज्वाइन करना, ठीक है। आपको लगे कि ये कंटेंट हमारे एग्जाम के लिए सफिशियंट है, ये सर हमारा सिलेक्शन करवा सकते हैं, इस बार नीट में झंडे हम गाड़ सकते हैं, तो ये एक बार आप जरूर देखेगा। और आपको रियली में लगा कि 1% आपको मोटिवेशन आया, बुस्टअप हुआ नीट 2024 के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट और कम प्राइस के अंदर कोर्स बच्चों तक पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और बड़े अपडेट के साथ।